हाय गाइस, दिस इज जस्ट मैम हियर। ओके, आई होप आप सभी अच्छे हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 1 है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, दैट इज स्टोइकोमेट्री। ओके, स्टोइकोमेट्री क्या होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसमें, लिमिटिंग रिएजेंट। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? सो दीज आर द टू कॉन्सेप्ट, ये होते क्या है। ओके, टुडे वी आर कवरिंग अप कि होते क्या है ना, इनके बारे में हमें क्या पढ़ना है, तो वो हम इसमें कवर अप करने वाले हैं। फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ओके, हम नेक्स्ट क्लास में लेने वाले हैं। एंड नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल लेंगे टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑल्सो। तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो टोटल न्यूमेरिकल होने वाला है, उसमें मैं आपको कई सारे तरह के न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बट अभी हम ये जो बेसिक कंसेप्ट है उसका फंडा क्लियर कर लेते हैं कि ये होते क्या है। सो फर्स्ट इज स्टोइकोमेट्री और स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। व्हाट आर दिस? बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, अभी है हमारे पास क्लास 11th में, हमने छोटी क्लासेस में इसके बारे में नहीं पढ़ा है। बट हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा है। ओके, वी हैव स्टडीड अबाउट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, सो बच्चों, व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन, ओके, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। ओके, ये हम लोगों ने पढ़ा है, 10th क्लास के साइंस के बुक में भी है आपकी ये डेफिनेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई केमिकल चेंज हो रहा है, जैसे सपोज अगर हमारा कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज हो रहा है टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, या हमारे पास कोई और रिएक्शन है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड क्लोरीन वो रिएक्शन कर रहे हैं लाइट के प्रेजेंस में टू गिव HCl। ओके, तो ये जो हमारी रिएक्शंस है जो हमने लिखी है बोर्ड पे, ये क्या है? इक्वेशंस, दे आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। ओके, केमिकल इक्वेशन अपने आप में हमें एक केमिकल रिएक्शन की इंफॉर्मेशन देने के लिए काफी है। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था कि इन ऑर्डर टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमें हमारी इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। What is the balanced chemical equation in which number of atoms of each element are equal on both the side of the arrow? For example, ये हमारी दोनों reactions अगर आप देखेंगे board पे, दोनों जो हमारी equations हैं, इसमें हमारे पास दोनों तरफ एक-एक calcium atom है, both the side here we are having 1-1 carbon atom and 3-3 oxygen atom, 1+2=3 and here it is 3. So all the atoms are equal on both the sides of the arrow. So this type of equation is known as balanced chemical equation. Similarly, if you will see the second equation, two hydrogen atoms are there on the LHS and two hydrogen atoms are there on the RHS. Similarly, अगर आप देखें तो two chlorine atoms are there on LHS and two chlorine atoms are present on their RHS. Okay, तो ये जो दोनों equation लिखी है हमने, they are the example of balanced chemical equation. Okay, so in order to follow the law of conservation of mass, we used to balance the chemical equation. But along with that, balanced chemical equations are very much informative. Okay, we can do so many calculations with the help of balanced chemical equations. Okay, so when we do calculations related to balanced chemical equation, and we can predict the amount of product formed, and we can predict that which reactant is required in how much amount, such type of calculations are known as stoichiometric calculation. Let me explain you with the help of example. Okay, very quickly we see the example that how we can explain the stoichiometric calculation very well. Okay, students, let us see the example. For example, I am writing a balanced chemical equation, that is, I am choosing a chemical reaction, that is formation of ammonia by direct combination of nitrogen and hydrogen gases. Okay, so we know that when nitrogen and hydrogen gases, they both react with each other, they form ammonia. So N2 plus H2, when we will write down in the form of the reaction, we will write down like this, and it is giving us ammonia. So in order to do the stoichiometric calculation, first what is necessary? It is necessary that equation should be balanced. Okay, equation should be balanced. This is the first condition. Okay, stoichiometric calculation को समझने के लिए हमें हमारी equation को सबसे पहले balance करना पड़ेगा.
So this is a simple equation which can be balanced very easily. So this is the balanced chemical equation in which number of atoms of each element are equal on both the side of the arrow. दोनों तरफ दो दो नाइट्रोजन एटम है और सिक्स सिक्स हमारे हाइड्रोजन एटम है, तो ये हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो बच्चों इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमें कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। वी आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मोल्स, वी आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मास, एंड वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑल्सो। ओके, व्हाट आई वॉन्ट टू से, सी हियर वी आर हैविंग वन मोल ऑफ नाइट्रोजन। So according to balanced chemical equation, one mole of nitrogen is reacting with three moles of hydrogens. And when one mole of nitrogen and three moles of hydrogen are reacting with each other, इस equation के according हमारी एक mole nitrogen three mole hydrogen से reaction कर रही है, तो हमारा ammonia कितना बन रहा है यहाँ पे, two moles। ठीक है, ammonia कितना बन रहा है हमें, two moles। तो हमको पहली इन्फॉर्मेशन मोल्स के रिस्पेक्ट में मिल जाती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, कि अगर आपके रिएक्टेंट इतने मोल होंगे तो प्रोडक्ट इतना मोल बन रहा है। ओके, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमको मास के हिसाब से मिल सकती है। अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें तो हमारे जो नाइट्रोजन का मोलर मास है वो कितना आएगा, 14 × 28 ग्राम। ओके, बिकॉज एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14 है, तो 14 × 28 हो जाएगा। हाइड्रोजन का कितना आएगा टोटल यहाँ पे, 3 × 2 That is equal to 6 gram. So molar mass, total mass of hydrogen involved in the balanced chemical equation is 6 gram. ठीक है, और अगर यहाँ हम अमोनिया का कैलकुलेट करें तो अमोनिया का जो टोटल जो ग्राम मॉलिकुलर मास है वो 17 होता है, और यहाँ पे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, सो वी विल डू 2 × 17. ओके, वी विल डू 2 × 17, सो वी विल गेट व्हाट, 34 ग्राम। तो ये हमको एक मास की इन्फॉर्मेशन मिल गई कि अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन और 6 ग्राम हाइड्रोजन को हम मिक्स करेंगे तो अमोनिया कितनी बनेगी, 34 ग्राम। या फिर अगर आपके पास 6 ग्राम हाइड्रोजन है तो उससे कंप्लीटली रिएक्शन करने के लिए कम से कम हमें 28 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए। ओके, तो ये हमें मास के रिस्पेक्ट से क्या मिल गई, इन्फॉर्मेशन मिल गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। अब हम आगे देखते हैं, अब हम ये गैसेस स्टेट में रिएक्शन, हमें पता है कि दीज आर द गैसेस विच आर रिएक्टिंग विथ ईच अदर एंड प्रोडक्ट इज ऑल्सो गैस, सो इन दिस केस वॉल्यूम ऑल्सो प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल। तो वॉल्यूम के केस में भी हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अगर हम एट एसटीपी बात करें। ओके, तो हमको पता है कि एसटीपी पर हमारी जो वन मोल गैस होती है वो कितना वॉल्यूम अक्वायर करती है, 22.4 लीटर। तो नाइट्रोजन कितनी मोल है हमारे पास, यहाँ पे वन मोल ही है, तो नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना है, 22.4 लीटर। हाइड्रोजन के कितने मोल्स है, 3, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इज 3 × 22.4 लीटर। एंड व्हेन दे बोथ आर कंबाइनिंग इन दिस रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, ओके, तो हमारे पास अमोनिया कितनी बन रही है, 2 मोल्स बन रही है, तो 2 × 22.4 लीटर। ओके, एसटीपी पर हमें इतनी गैस मिलेगी। तो हमारे बैलेंस केमिकल इक्वेशन लुक एट स्टूडेंट्स हमें कितनी सारी इन्फॉर्मेशन देती है। तो इसी इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं। मतलब अगर हमें किसी एक रिएक्टेंट की अमाउंट हमारे पास गिवन है कि मेरे पास नाइट्रोजन इतना ग्राम है, सपोज 10 ग्राम है, तो हाइड्रोजन मुझे कितनी चाहिए अमोनिया बनाने के लिए, उस तरह की कैलकुलेशन हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से कर सकते हैं। ओके, सच टाइप ऑफ कैलकुलेशंस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इट इज नोन एज स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पे एक हम कोई इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है, मैं इक्वेशन ले लेती हूँ यहाँ पे हम, कि कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्डर टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे कि हमको निकालना क्या है कि अगर हमारे पास 12 ग्राम हाइड्रोजन है और 12 ग्राम हाइड्रोजन से अगर आपको अमोनिया कितनी बनेगी, या अमोनिया बनानी है तो नाइट्रोजन कितनी लगेगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, कितनी नाइट्रोजन वहां पर आपको चाहिए जो कि 12 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगी। तो नाइट्रोजन की अमाउंट हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आराम से निकाल सकते हैं,
ओके तो कैसे निकाल सकते हैं, चलिए मैं बोर्ड क्लीन करके इसी क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारा स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन इस क्वेश्चन के थ्रू इजीली समझते हैं। ओके सो लेट अस सी हाउ वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस। ओके सो आई जस्ट क्लीन द बोर्ड क्विकली एंड राइट द सेम क्वेश्चन अगेन बिकॉज वी रिक्वायर मोर स्पेस देयर। तो मैं फिर से क्वेश्चन लिख लेती हूँ अपना। कैलकुलेट द मास ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इन ऑर्डर टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, हमें अमोनिया बनानी है, किसकी मदद से बनानी है हमें, विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन इन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मास तो उन्होंने हमें दे दिया क्वेश्चन में कि 12 ग्राम हाइड्रोजन है, लेकिन 12 ग्राम हाइड्रोजन को कंज्यूम करने के लिए, उससे अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन कितनी चाहिए। देखिए नाइट्रोजन का मास हम लोगों को नहीं पता है, तो नाइट्रोजन का मास हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से निकालेंगे और जो कैलकुलेशंस हम करेंगे उसको क्या कहेंगे, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम इस केमिकल चेंज का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। ओके दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सो लेट अस राइट डाउन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस चेंज। ओके सबसे पहले हम इसके लिए क्या लिखेंगे, हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। सो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दे आर रिएक्टिंग टू फॉर्म द अमोनिया। सो वी हैव रिटन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो नाउ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ मास। ओके ये क्वेश्चन हमसे मास के टर्म्स में पूछा गया है, तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के नीचे मासेस की बात करेंगे। ओके सो मास ऑफ नाइट्रोजन अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज 28 ग्राम एंड मास ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज 3 to 6 ग्राम एंड मास ऑफ अमोनिया अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज 34 ग्राम। बट बेसिकली मास ऑफ अमोनिया से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या निकालना है कि नाइट्रोजन हमें कितनी चाहिए अगर हमारे पास 12 ग्राम हाइड्रोजन है तो। ठीक है, इफ द मास ऑफ हाइड्रोजन इज 12 ग्राम तो उसके लिए नाइट्रोजन हमें कितनी चाहिए, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क है। सो लेट अस फाइंड आउट, वी कैन इजीली फाइंड आउट इट। अब हम इस क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके सिंस, ठीक है, अगर हम देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से, ठीक है 12 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ, सॉरी इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन वी आर हैविंग 6 ग्राम, सो आई एम मेकिंग अ करेक्शन। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 6 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 28 ग्राम नाइट्रोजन। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपको दिख रहा है कि आपकी जो 6 ग्राम हाइड्रोजन है इट इज रिएक्टिंग विथ 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। सो देयरफॉर क्वेश्चन में कितनी हाइड्रोजन है हमारे पास, 12 ग्राम। 12 ग्राम हाइड्रोजन विल रिएक्ट विथ हाउ मच नाइट्रोजन, यू कैन इजीली सॉल्व 28 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 12, राइट 28 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 12। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं इस क्वेश्चन को। सो 6 वन जा 6 एंड 6 टू जा 12 एंड 28 टू मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी इक्वल टू 56। सो 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। सो 12 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्स 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ओके तो ये इस तरह की जो कैलकुलेशंस होती है बच्चों, इनको हम क्या कहते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस कहते हैं। ये तो एक एग्जांपल हमने मास का लिया है, हम ये कैलकुलेशन मोल्स को लेकर भी कर सकते हैं, हम ये कैलकुलेशन वॉल्यूम को लेकर भी कर सकते हैं। ओके सो डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस हम यहाँ पे एक गिवन वैल्यू से, अगर एक रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है, उसके मोल्स गिवन है, अगर उसका मास गिवन है, तो दूसरे रिएक्टेंट कितना लगेगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा, ठीक है, वो कैलकुलेशन हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से कर सकते हैं। वी कैन डू सच कैलकुलेशंस विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन इज नोन एज स्टोइकोमेट्री और स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ओके ये जो हमारी कैलकुलेशन है इसे हम स्टोइकोमेट्री कहते हैं। ओके तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्टोइकोमेट्री के और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ।
ओके सो नेक्स्ट वीडियो बच्चों बिल्कुल मिस नहीं करना है, हम बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं आपको उसमें बताऊंगी सॉल्व करके. ओके सो दिस वॉज द वन कंसेप्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके सो द कैलकुलेशंस रिलेटेड टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन ऑर्डर टू प्रिडिक्ट द कंडीशंस ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, अमाउंट ऑफ द डिफरेंट रिएक्टेंट्स रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट दैट कैन बी फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. ओके दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस आर नोन एज स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस. ओके एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इज लिमिटिंग रिएजेंट. वॉट इज लिमिटिंग रिएजेंट? ओके स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हमें एक लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट भी ध्यान में रखना होता है. ओके सो लेट अस सी कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है. दिस इज ऑल्सो अ न्यू वर्ड. ओके सो लेट अस सी दिस कंसेप्ट ऑल्सो. सो स्टूडेंट्स लेट अस सी वॉट इज लिमिटिंग रिएजेंट. वॉट इज लिमिटिंग रिएजेंट? इट इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन. द रिएक्टेंट विच कंप्लीटली गेट्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट. ओके मतलब हमारी केमिकल रिएक्शन में हम अलग अलग रिएक्टेंट्स के बीच में हम रिएक्शन करवाते हैं. ओके वी मे हैव टू रिएक्टेंट्स, थ्री रिएक्टेंट्स एंड दे रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव अस अ प्रोडक्ट. तो बच्चों जरूरी नहीं है कि हर रिएक्टेंट पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए. कुछ रिएक्टेंट जो होते हैं वो 100% कंज्यूम हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाएंगे आपकी केमिकल रिएक्शन के दौरान, उनके 100% मोल्स सारे कंज्यूम हो जाएंगे. और कुछ रिएक्टेंट्स जो हैं वो अनरिएक्टेंट बच जाएंगे, ठीक है, अनरिएक्टेड भी बच जाएंगे, एक्स्ट्रा होंगे हमारे पास. तो जो रिएक्टेंट आपका पूरा कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन उसे हम क्या कहेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, यहाँ पे एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जैसे हमारा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. ओके तो जब मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमें पता है कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये जो केमिकल रिएक्शन है हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं और आपने हो सकता है लैब में टीचर्स ने आपको मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग डेमोन्स्ट्रेट भी किया हो. ओके तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को एयर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम इसे बर्न करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि जो मैग्नीशियम है ये 100% एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन एक्सेस में है. ऐसा तो है नहीं कि आपके रूम की जो ऑक्सीजन है वो पूरी कंज्यूम हो जाती है ना, ऐसा नहीं होता है. ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस में है हमारे पास, खूब सारी ऑक्सीजन है. तो जो रिएजेंट हमारे पास मोर अमाउंट में होता है या जो रिएक्शन के दौरान अनरिएक्टेड हमारे पास बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं? इन एक्सेस, रिएजेंट इन एक्सेस. ओके और जो हमारा 100% एग्जॉस्ट हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं. ओके सच एन रिएक्टेंट इज सच अ रिएक्टेंट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट, जो आपकी किसी भी रिएक्शन के दौरान 100% कंज्यूम हो जाएगा, आपके पास बिल्कुल नहीं बचेगा वो, ठीक है. आपको प्रोडक्ट देने के लिए वो 100% अपनी कुर्बानी दे रहा है, उसके सारे मोल्स खत्म हो जाएंगे. सच अ रिएजेंट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट. और जो रिएजेंट हमारे पास अनरिएक्टेड बच जाएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, जो आप देखेंगे कि उसके एक्स्ट्रा मोल्स हैं जो हमारे पास बच रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? रिएजेंट इन एक्सेस कहते हैं. सो दिस इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. बट लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना, ओके, वो कुछ स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है. एट सो मेनी प्लेसेस हमारे लिए जरूरी होता है कि हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करें कि हमारे रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट आखिर है कौन. ओके बच्चों तो ये जो सारे न्यूमेरिकल्स हैं स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड, लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड, और जो हमारा प्रीवियस टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला, वो सारे कैटेगरी के न्यूमेरिकल हम हमारी नेक्स्ट क्लास में लेने वाले हैं. सभी न्यूमेरिकल्स डिफरेंट टाइप्स के होंगे तो आपको ये जो कंसेप्ट है ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन हमें किस तरीके से करनी होती है. ओके बच्चों
तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए, बुक में से रीडिंग दीजिए. बुक रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टे होम, स्टे हेल्दी. बाय बाय.